वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में रियलमी का नार्ड जो इसके अंदर आपको जो है हार्ड रीसेट मारना है तो आप कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको जो है इसके एक बार में इसको हार्ड रीसेट कैसे मारेंगे, क्योंकि जल्दी जो है इसका हार्ड रीसेट का ऑप्शन आपका आता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपको पेशेंस रख के वेट करके जो है इसको हार्ड रीसेट मारना है, तब ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो हम इसको जो है पहली बार अगर आप इसको पावर का बटन दबाते हैं और स्विच ऑफ का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको साथ में वॉल्यूम अप बटन प्रेस करेंगे तो स्विच ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले ये दबाते हैं, ये आ गया, हमारा तो आ गया है। अगर आपका नहीं आ रहा तो साथ में वॉल्यूम अप बटन दबा देना, आ जाएगा। तो इसको हम पावर ऑफ कर देते हैं। ये जो ऑप्शन होता है कस्टमर खुद करके सेटअप करके रख लेता तो इस वजह से ऐसा करना पड़ जाता है, ठीक है। और अब हम जो है इसको पावर का बटन पहले दबा देंगे, फिर वॉल्यूम डाउन की दबानी है। पहले पावर का बटन, अब वॉल्यूम डाउन की, ये आ गया देखो। और अब हमें जो है पावर का बटन दबा के रखना है, फिर वॉल्यूम अप की दबानी है, ये आ गया। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे वाइप डाटा का ऑप्शन होगा, यहाँ पे हमें पावर की दबानी है, फिर नीचे आएंगे, फिर वाइप डाटा के ऑप्शन फैक्ट्री डाटा पे पावर की दबानी है। और ये यहाँ पे वाइपिंग हो गया है, अब हम सिस्टम रिबूट कर देंगे पावर की दबा के। तो ये ऑप्शन आ गया, अब यहाँ पे जो है आपको वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपकी आगे की प्रोसेसिंग होगी। उसको मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, आप वो कैसे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।